गुड मॉर्निंग बच्चों, ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है इसके आपको बताए जा रहे हैं। बच्चों आप इसमें ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है। व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब हो गया कि जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है क्यों। ठीक है बच्चों, जो एसिड एक्वस सॉल्यूशन है पानी के साथ, जो एसिड का सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है। तो इसका आंसर है, एसिड व्हेन फॉर्म अ सॉल्यूशन इन वाटर इट गेट्स आयनाइज्ड, आयनाइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड थ्रू इट। तो प्यारे बच्चों, जब जो है हम क्या कहते हैं एसिड के सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ, तो ये आयनाइज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, और इस आयनाइज होने के कारण इसमें आयन प्रेजेंट हो जाते हैं और उसके कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। बच्चों तो क्वेश्चन नंबर आपने देख लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट इसके लेते रहेंगे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, तो ये आपके स्क्रीन पे आने वाला है धीरे धीरे बच्चों। चलो ये आंसर मैं यहाँ पर रख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। प्यारे बच्चों, जो ड्राई HCl होता है अर्थात बिना पानी का HCl होता है, वो जो लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों ये HCl जो है गैस है, अगर ये एसिड होता तो क्या होता है, ये ब्लू लिटमस को क्या करता, रेड कर देता। लेकिन जो है ये इसके ड्राई लिटमस पेपर पर इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चों ये ड्राई HCl गैस जो है आयन को रिलीज नहीं करती है। ये केवल एक्वस मीडियम में अर्थात जब पानी के साथ मिलता है तभी आयन को रिलीज करती है, इसलिए जो है ये लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है बच्चों। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है, ड्राई HCl गैस कैन रिलीज आयंस ओनली इन एक्वस मीडियम। जो ड्राई HCl है ये केवल जो है जब जो है क्या होगा, एक्वस मीडियम होगा, पानी के साथ मिलेगा तभी क्या करेगा बच्चों, आयन को रिलीज करेगा। और चूंकि विद नो हाइड्रोजन आयंस द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ गैस इज नॉट इम्पार्टेड, और जब जो है इसका जो है बिना हाइड्रोजन आयन के इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं आती है, इसलिए जो है जो ड्राई HCl है वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाता है बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर, और आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विद डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब हम किसी एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, ठीक है बच्चों, अर्थात उसका कंसंट्रेशन कम करते हैं, उसको जो है डाइल्यूट बनाते हैं किसी एसिड को, तो बच्चों हम एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं बल्कि पानी में एसिड को मिलाते हैं। बार बार आपको कहा था, विद डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। मतलब एसिड में पानी नहीं मिलाया जाता है बल्कि पानी में एसिड मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है बच्चों? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर मैंने यहां पे लिखा, मैं पूरा आंसर ऊपर कर लेता हूं बच्चों। ये देखिए, अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, देखिए एक एक वर्ड को आप देखिए। व्हेन एसिड एंड वाटर मिक्स द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक।
जब एसिड में हम पानी मिलाते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट जो है उसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, द एसिड मे स्प्लैश कॉज बर्न एंड इवन द बोटल या कंटेनर कैन ब्रेक। अब जो है जब बहुत ज़्यादा जो है हीट उसमें उत्पन्न होगी तो बच्चों वो एसिड जो है कंटेनर से बाहर भी आ जाएगी और वो बोतल को या जो बोतल है या जो कंटेनर है उसको तोड़ भी सकती है। इसको अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड दिस एंड अलाउ द हीट इवॉल्व टू द एब्जॉर्ब बाई वाटर। अब क्या करते हैं बच्चों कि अब इतनी ज़्यादा हीट उसमें उत्पन्न हो रही है तो हम जब जो है पानी में इसको मिलाते हैं एसिड को, तो पानी जो है उस हीट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर देती है। बच्चों ये देखिए, टू अवॉइड दिस एंड अलाउ द हीट इवॉल्व्ड टू द एब्जॉर्ब बाय वाटर स्लोली। अब वाटर में अगर एसिड को मिलाएंगे तो वो इस उस हीट को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर देगा। एसिड इज एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग इट। इसलिए जो है हम क्या करते हैं, इसलिए हम जो है एसिड में किसको मिलाते हैं बच्चों, नहीं पानी में एसिड को मिलाते हैं, न कि एसिड में पानी को मिलाते हैं बच्चों। मैंने आपको बता दिया कि यदि हम एसिड में पानी को मिलाएंगे, ठीक है बच्चों, एसिड में पानी को मिलाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा हीट आएगी, वो जो है एसिड आपकी बाहर भी निकल सकती है वो जो कंटेनर से, और वो जो है कॉजेज बर्न, वो जो है क्या कर सकती है बच्चों, जला भी सकती है, इवन जो है वो जिस कंटेनर में रखा है उसको तोड़ भी सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं बच्चों, वाटर में एसिड को मिलाते हैं। वाटर में जब एसिड मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों जो वाटर है वो एसिड के हीट को एब्जॉर्ब कर देता है और धीरे धीरे हम इसको मिलाते हैं और तब जो है एसिड क्या हो जाती है, डाइल्यूट हो जाती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों फिर जो है इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन है, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, सॉल्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो प्यारे बच्चों जैसे हम दही और खट्टे पदार्थों को हम जो है ब्रास और कॉपर के बर्तनों में नहीं रखते हैं, क्यों, इसका ये अर्थ हुआ बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर देखिए, आंसर पर आप देखिए बच्चों, कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, जो दही और खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें एसिड होती है। ठीक है बच्चों, विच कैन रिएक्ट विद कॉपर वेसल्स एंड ब्रास टू फॉर्म टॉक्सिक कंपाउंड। वो क्या करेंगे, जब हम जो है दही और खट्टे पदार्थों को में एसिड होती है और अगर हम उनको कॉपर वेसल्स और ब्रास वेसल्स में रखेंगे तो वो टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं कि जो कि बहुत हानिकारक होते हैं। इसलिए दही और खट्टे पदार्थों को कॉपर और ब्रास वेसल्स में नहीं रखा जाता है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप स्क्रीन पर पढ़िए बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एक्वस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसका सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात उसके बढ़ने से या उसके घट, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बढ़ने और घटने से सॉल्यूशन के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है, इफ ए सॉल्यूशन हैज हायर कंसंट्रेशन, यदि किसी सॉल्यूशन का हायर कंसंट्रेशन है अर्थात वो गाढ़ा है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है, उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, ठीक है, इट इज मोर एसिडिक इन नेचर, वो जो है ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया
तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, मोर एसिटिक हो जाएगा और उसका पीएच क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब पीएच कम होगा तो उसका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, डू बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव एच प्लस एक्वस आयन? क्या बेसिक सॉल्यूशन में भी एच प्लस एक्वस आयन होते हैं? इफ यस, यदि हाँ, देन व्हाई आर दीज बेसिस? अगर ऐसा होता है तो वो बेस क्यों होते हैं बच्चों? ये कह रहा है क्या बेस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? यदि होते हैं तो वे बेस क्यों रहते हैं, वो बेस क्यों हैं? तो बच्चों होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, क्योंकि पानी जो है हाइड्रोजन आयन बनाता है बच्चों। लेकिन बेस में जो हाइड्रोक्साइड OH आयन ज्यादा होते हैं, इसके कारण उसका नेचर बेसिक होता है। ये देखो आंसर देखिए बच्चों, यस बेसिक सॉल्यूशन ऑल्सो हैव एच प्लस आयन, बट दे आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन्स या हाइड्रोक्साइड आयन्स, क्योंकि उसमें OH आयन जो है ज्यादा होते हैं, इसलिए वह बेसिक होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2? माने CaOCl2 का कॉमन नाम क्या है, केमिकल नाम भी बताएंगे बच्चों आपको, कॉमन नेम भी उसका बताएंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर और केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बच्चों। तो आगे लिए चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर लिए चलते हैं, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। माने सोडियम के उन कंपाउंडों के नाम बताओ जिसके द्वारा जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट किया जाता है, तो उसका नाम है बच्चों सोडियम कार्बोनेट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, आप इन क्वेश्चनों को जरूर ध्यान देंगे और इनकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिए हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहें और इसी प्रकार से जो है बच्चों, इसमें जो है 3-4 वीडियो जो है आपके क्वेश्चन की बनने वाली है। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि समय समय पर ग्लो और फिजिक्स के द्वारा बनने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।